क्लास का एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है ये। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इज इक्वे सॉरी क्वेश्चन वन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उन पार्ट्स का जो सब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, केवल उन पार्ट्स का जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, ओनली उस पार्ट का हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था क्वेश्चन नंबर वन में। तो क्वेश्चन नंबर वन में फर्स्ट पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। तो फर्स्ट पार्ट का देखेंगे, सॉल्व करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन करते हैं ना। 13 यहाँ होगा, सॉरी 13 अंदर होगा और 3125 यहाँ होगा, है ना। तो इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और टफ हो जाएगा। तो इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसके फैक्टर देख लेंगे क्या आए थे जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो 13 को ऐसे ही रहने देते हैं, 3125 के फैक्टर क्या आए थे, 5 की पावर 5 आया था, 5 की पावर 5। तो यहाँ पे 5 की पावर 5 है, ओनली 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से पावर सेम रख के अगर 5 है तो 2 से करेंगे और 2 है तो 5 से करेंगे, पावर हमेशा सेम रहेगा। 5 है तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। अब इन दोनों का क्या है, पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 और पावर 5 ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 416 और अंदर की बेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 का पावर 5। अब 10 का पावर 5 क्या होता है, 1 के आगे 5 ज़ीरोस लगा देंगे, 3 4 5 5, हाँ 5 ज़ीरोस हो गए। तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे लगेगा, जितने भी नीचे ज़ीरोस होंगे उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 416 यहाँ पे नीचे, है ना, 416 है। तो इसके नीचे कितने ज़ीरोस हैं, 1 2 3 4 5 5 ज़ीरोस हैं। तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है हमें, पर हमारे पास 3 डिजिट है तो इसके आगे 2 ज़ीरोस लगा लेंगे तो 5 डिजिट हो जाएंगे। तो इसके बाद डेसिमल लगा लेते हैं हम, इसके आगे तो ज़ीरोस नहीं लगा सकते किसी भी डिजिट के आगे, पर पीछे लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 ज़ीरोस पीछे की तरफ लगा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के बाद तरफ, और उसके बाद क्या करेंगे, 5 डिजिट गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हो गए। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और फिर से एक ज़ीरो लगा लेंगे, डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लगा लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं, सेकंड पार्ट है हमारा 17/8। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, 8 के फैक्टर आते हैं हमारे 2 की पावर 3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे पावर सेम रख के, पावर सेम रहेगा। तो ये बन जाएगा 17 × 5 की पावर 3 क्या होगा, 125। और इन दोनों को बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर सेम पावर है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। 17 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 2125 और नीचे बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 का पावर 3, पावर 3 था तो 3 आ जाएगा। अब 10 का पावर 3 क्या होता है हमारा, 2125 वेज इट इज़ रखते हैं, 10 का पावर 3 1000 होता है।
अब इसमें कितने डिजिट के बाद जीरो पॉइंट लगाएंगे, यानी कि डेसिमल लगाएंगे, कितने जीरोज़ हैं, 1, 2, 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 2, 1, 2, 5 में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 3 जीरोज़ हैं। तो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया सेकंड वाले पार्ट का। सेकंड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, जो कि है 15/1600। इसको कैसे करेंगे, फैक्टर देख लेते हैं पहले। तो 15 को तो ऐसे रहने देंगे, 1600 का देखते हैं। 1600 का जो फैक्टर आया था वो क्या आया था हमारा, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 4। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पावर को सेम करना होता है। तो 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 4 है, तो कम किस में है, 5 की पावर में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 5 से, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना कम पावर है, 2 है ना, इसका 6 है, इसका 4 है, तो 2 कम है, दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो इससे 2 कम है 5 का पावर, तो 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 15 × 5 की पावर 2। नीचे क्या जाएगा, 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर 6। अब 15 × 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 5 की पावर 2 था, इसका हमारा आया था 5 का पावर 2, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। तो यहाँ पे 4 कम था यहाँ पे, ठीक है, 4 कम था, तो 4 से ही मल्टीप्लाई और 5 की पावर 4 से ही डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 15 × 5 की पावर 4 है ना। तो 5 की पावर जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो ये हमारा आ जाएगा 15 × 5 की पावर 4 क्या होता है, 625। और नीचे वाले का बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर को 6 रहने देते हैं। जब 15 और 625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9375 और ये 5 × 10 की पावर 6। हम 9375 10 की पावर 6 क्या होता है, 1 के आगे 6 जीरोज लगा लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, जितना भी हमारे पास जीरो होगा डिवाइड में, तो जीरो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो है, तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। पर हमारे पास क्या 4 ही डिजिट है, तो आगे 2 जीरो लगा लेते हैं, जिससे हमारा 6 डिजिट हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेते हैं और एक और जीरो लगा लेते हैं डेसिमल के आगे। तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, फोर्थ पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन ये वाला हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट, जो कि है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो इसमें देखेंगे कम किसका है पावर, 2 और 5 दोनों है, पर कम पावर किसका है, 5 का पावर कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो क्या करेंगे, 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी 5 का पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 5 से। कितना पावर कम है, 1 पावर कम है, तो 1 से ही करेंगे, 5 का पावर 1 से मल्टीप्लाई और 5 का पावर 1 से डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा 23 × 5 का पावर 1 क्या होता है, 5 का पावर 1 5 ही होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 का पावर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3
अब 23 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 115, और इन दोनों का पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 5 पावर 3, तो ये जाएगा 115 / 2 × 5 10, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 क्या होता है, 1000। तो कितने डिजिट के बाद हमारा यहाँ पे डेसिमल आएगा, 3 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट तो हमारे पास है ही, तो 1, 2, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेते हैं और एक और 0 लगा लेते हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है 6th के बाद 8th पार्ट है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, तो 8th पार्ट देखते हैं क्या है, 6/15, तो इसका फैक्टर देख लेते हैं, 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3, और 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 × 5, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 2/5 हो गया। तो यहाँ पे तो 5 है डिनोमिनेटर में जिसका पावर 1 है, बट क्या कम है, 2 नहीं है, तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 1 से डिवाइड कर देंगे, पावर हमेशा सेम रखना है और देखना है क्या नहीं है, 5 है तो 2 से करेंगे, 2 है तो 5 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2, और ये आ जाएगा दोनों का बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 1 ही रहेगा, 2 × 2 = 4, और 5 × 2 = 10, पावर 1 यानी कि 10 ही रहेगा। तो कितनी डिजिट है, ये आ जाएगा 4/10, कितने डिजिट के बाद 0 लगेगा, 1 डिजिट के बाद, क्योंकि 1 0 है, तो क्या होगा, 4 1 डिजिट तो है, तो इसके बाद डेसिमल लगा देते हैं, और कितने जितनी भी जीरोज होते हैं उसने डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाता है, तो 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, और एक और डेसिमल के बाद एक और 0 लगा लेंगे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 0.4। नेक्स्ट पार्ट 9th पार्ट है, 9th पार्ट है 35/50, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फैक्टर देख लेते हैं, 35 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 7, और 50 के फैक्टर होते हैं 5 × 5 × 2, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/5 × 2। अब यहाँ पे हमें किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 5 दोनों हैं और दोनों के पावर सेम है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, 7 / दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा या डेसिमल लगेगा हमारा, 1 डिजिट के बाद, क्योंकि 0 1 ही है, तो 1 डिजिट के बाद यानी 7 के बाद डेसिमल लग जाएगा, उसके आगे एक और 0 लगा लेंगे, तो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, 9th पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये।